बनी टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद हुसैन। इस वक्त मैं जोड़ेवाता मंदिर के काफ़ी करीब ही मौजूद हैं और आज दशहरा है और दशहरा की आप सबको बनी टुडे की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इधर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में अभी भी यात्री यहां पर माता के दर्शन करने के लिए आए हैं और अब लंबी लंबी कतारों में यहां पर खड़े हैं। हम इनसे बात भी करेंगे, यहां पर हमारे साथ है कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज दशहरा है, आप इधर माता के दर्शन करने के लिए आए हैं, आपकी क्या मुरादें हैं, क्या मुरादें आपकी सभी पूरी होती है यहाँ पर? मैं सबसे पहले सभी माता के भक्तों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज माता का दशहरा है जिसको हम बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में भी मनाया जाता है। माता रानी सब पे कृपा बरसाए। ये नवरात्रों में नौ नवरात्रे होते हैं और इसमें रामायण भी दिखाई जाती है। माता के नौ रूप घर में आते हैं जिसमें शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, स्कंद है, माता है कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी है और सिद्धात्री है। ये नौ रूप हैं माता के जो इन नवरात्रों में दर्शन देते हैं और जो भी सच्ची श्रद्धा से कामना करता है उसको वो फल देते हैं। और मैं यही कहूँगा कि सभी जो भी माता के भक्त हैं, माता का उन पे आशीर्वाद बना रहे, उन पे उनके परिवार में सुख शांति मिले और सदा लंबी आयु की कामना करें। सर क्या नाम है सर? सब ठीक है सर। क्या कहना चाहेंगे? आज दशहरा है, आप यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आए, जोड़े माता क्या बोलेंगे? अब बोलना इतना आता नहीं है, लेकिन चलो माँ की कृपा हो जाए सब पर, तो हम मतलब ऐसा कर्म करें जिस कर्म से मतलब ऐसे कर्म नहीं हो के जैसे दुर्योधन रब ने कंस ने किए थे। तो हमें इतिहास में ऐसा हुआ है कि इतिहास में ऐसा सुना है हमें, तो ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए, हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए। अच्छे कर्म से ही ये मनुष्य तन मिला है, तो आगे भी ये मनुष्य तन मतलब मिलता रहे तो कर्म कर सकते हैं। पशु पक्षी तो कुछ नहीं कर सकते, पशु पक्षी का जन्म मिलेगा तो हमसे कुछ नहीं होगा। हम मनुष्य जन्म में ही कुछ पा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके आगे और भी बहुत बातें हैं, लेकिन चलो माफ़ी मांगता हूँ। जय हो, जय माता। तो इसके साथ साथ और भी यहाँ पर लोग यहाँ पर कतारों में खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर? धर्मपाल। धर्मपाल नाम। कहाँ घर आपके? ज्योति। अच्छा, आप यहाँ माता के यहाँ दरबार आए हैं? जी जी। क्या क्या मुरादें हैं आपकी यहाँ पर लाए? आपकी मुरादें अपनी बाल बच्चा अच्छा होना चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए, बाकी ऐसा है जो धन दौलत मिलना चाहिए, बाकी शरीर सही रहना चाहिए, इत्मान हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ और भी हैं, क्या नाम है सर? करण सिंह सर। कहाँ आपका? हिमाचल से सर। अच्छा, हिमाचल से आप आए इतने? जी सर। क्या कहें, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए? सर कहना है बस माता के दर्शन हो जी, बहुत बढ़िया। क्या मुरादें लेके आए? मुरादें बस दर्शन हो गए, माता की मुरादें पूरी हो गई, सब कुछ पूरा हो गया, बस यही खुशी है सानू कि हजी माता दरबार पहुँच गए। आपको यकीन है आपकी पूरी मुरादें पूरी हो जाएंगी? माँ की जगह कोई ले नहीं सकता जी, माँ माँ होती है जी, माँ पे।